नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अकेडमी पर। आज हम वेंडर ऑफ द स्वीट्स आर के नारायणन का एक नॉवल है, उसको सेकंड चैप्टर, उसके सेकंड चैप्टर का टेक्स्ट पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में आता है कि ए लल हेड फॉलन ऑन मार्केट रोड व्हेन ही वॉक्ड बैक होम। एलल मतलब सन्नाटा छाया हुआ है पूरी मार्केट रोड पे। व्हेन ही वॉक्ड बैक, जब वो वापस लौटता है होम, एट ए लिटिल पास्ट 7:30, 7:30 के बाद में। कौन? जगन। एन एनर्मस शाफ्ट ऑफ ब्लू लाइट फेल ऑन द रोड फ्रॉम द कृष्णा डिस्पेंसरी, और एक मतलब किरण, प्रकाश की किरण सी, जोरदार सी ब्लू लाइट की, वो फैली हुई है रोड के ऊपर। तो वो कहाँ से आ रही लाइट? कृष्णा डिस्पेंसरी से। He noticed, उसने देखा कि डॉक्टर कृष्णा एट हिज टेबल पेयरिंग एट द थ्रोट ऑफ ए पेशेंट, कि है ना डॉक्टर कृष्णा जी है वो एक पेशेंट के गले को चेक कर रहे हैं। ए स्ट्रीट डॉग ले स्नोरिंग ऑन ए हीप ऑफ स्टोन, गली का एक कुत्ता है जो खर्राटे भर रहा है, स्नोरिंग यानी खर्राटा भर रहा है, और वो कहाँ पे है? पत्थरों का एक झुंड पड़ा है, हीप पड़ा है, ढेर उसके ऊपर ऑन द रोड साइड के पास में। केप्ट देयर सिंस द फर्स्ट म्युनिसिपल बॉडी वाज इलेक्टेड इन फ्री इंडिया, और ये जो पत्थर है ना वहाँ पे, जब पहली म्युनिसिपल बॉडी नगर पालिका बनी थी ना हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में 1947 के बाद में, तब से ये पत्थर यहाँ पे पड़े हैं। और क्यों लाए गए थे? मेन फॉर पेविंग द रोड, आसपास की रोडें बनाने के लिए। ए लाइट वाज स्टिल सीन अंडर द डोर, एक लाइट अभी भी दिखाई दे रही थी उजाला दरवाजे के अंदर। कहाँ पे? ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस पे, वहाँ पे ये ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस है कोई, वहाँ पे अभी भी अंदर उजाला दिखाई दे रहा था। ऑल्दो इट वाज सेट इन डिफरेंस टू द शॉपिंग आवर्स एक्ट, हालांकि शॉपिंग आवर्स होते हैं ना बिक्री के जो समय है भाई, इतनी बजे से इतनी बजे तक दुकानें बंद हो जानी चाहिए, उस एक्ट को उसको उसकी वजह से दुकान तो बंद हो चुकी थी, लेकिन क्या थी? अभी भी उजाला था अंदर। जगन न्यू, जगन जानता था दैट इफ ही नोक्ड, यदि वो खटखटाएगा तो नटराज, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौन है? नटराज। ये प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए टेक्स्ट पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि माइन्यूटली आप जब तक किसी चीज को नहीं देख पाते हैं, किसी चीज को नहीं पढ़ पाते हैं, तब तक मतलब क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी नहीं आती आप में, ये प्रतियोगी के रूप में। नटराज कौन है? उसका मालिक है, किसका? प्रिंटिंग प्रेस का। वुड ओपन द डोर, जगन को पता था कि नटराज दरवाजा खोल लेगा यदि वो खटखटाएगा तो। एंड ही कुड ऑलवेज हैव द एक्सक्यूज ऑफ आस्किंग इफ द बुक वाज रेडी, और उसके पास वही रटा रटाया एक शब्द होगा जो हमेशा वो कहता है ना, जब उसको पूछेगा ना वो कि मेरी किताब तैयार हो गई क्या। द बुक हैड बीन इन द प्रेस फॉर इयर्स आउट ऑफ काउंट, है ना, उसकी किताब कई दिनों से प्रेस में है, किसकी? जगन की। और हिज मैग्नम ओपस ऑन नेचर केयर, अब देखो यहाँ फिर किताब का नाम क्या है बेटा? मैग्नम ओपस, जो किताब लिख रहा था जगन, उस किताब का नाम क्या था? मैग्नम ओपस। और किताब किसके ऊपर थी? नेचर केयर, प्राकृतिक चिकित्सा एंड नेचुरल डाइट के ऊपर थी, प्राकृतिक डाइट खाने के ऊपर थी। जगन न्यू, जगन जानता था दैट नटराज वुड से अगेन, नटराज दोबारा यही कहेगा, दैट ही वॉज वेटिंग फॉर टाइप्स, कि है ना वो टाइप का इंतजार कर रहा है। टाइप मतलब पहले क्या होता था कि टाइप के लिए वो आते थे, की जाती थी, आज की तरह नहीं होता कि हम कंप्यूटर में छाप के मास्टर बना के किताबें छप जाती थी, पहले ए बी ऐसे की अलग अलग आती थी, की को सेट करना पड़ता था, तो बोले वो कीज का मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। बट ही कुड ऑलवेज सिट डाउन इन वन ऑफ हिज चेयर्स एंड डिस्कस पॉलिटिक्स, है ना, लेकिन वो बैठ सकता था वहां पे ये पूछ करके कि है ना वही कुर्सी पे, और उसके ऊपर पॉलिटिक्स, राजनीति के ऊपर चर्चा कर सकता था। He overcame the temptation and passed on. लेकिन उसने इस temptation के ऊपर overcame हुआ, मतलब उसने ये जो बहाना था ना छोड़ा, उसने passed on, चलता बना। Must be home. The boy will be alone. और जगन सोचता है कि घर चलना चाहिए क्योंकि बच्चा अकेला होगा। Not today. आज ही नहीं, he fell into a brooding and introspective state as he walked on the edge of the road. वो हमेशा ही
ब्रूडिंग यानी सोचना समझना, इंट्रोस्पेक्टिव यानी स्पेकुलेशन, वही समय आत्मविश्लेषण करना कि स्टेट में रहता था कब, जब वॉक्ड ऑन द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे किनारे शाम को चलता था, एंड वॉज अलोन विथ हिमसेल्फ, और स्वयं के साथ अकेला ही बातें करता चलता था, अकेला ही रहता था। जट कार्स ड्रोव पास्ट हिम, जो गाड़ियां थी वो उसके पीछे चल रही थी, द ड्राइवर्स अर्जिंग देयर हॉर्सेज विथ श्रिल क्राइज, और जो बग्गियों के ड्राइवर थे ना वो अपने घोड़ों को जोर 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 से आवाज में कह रहे थे, एंड देन ए फ्यू साइकिल्स, कुछ साइकिलें थी, स्कूटर थे, एंड कपल ऑफ कार थी, कुछ कारें थी, लाउडली हॉन्किंग देयर हॉर्न्स, जो जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी उस रोड के ऊपर। द ट्रैफिक थिंड एंड डिसअपियर्ड, ट्रैफिक कम हो गया और डिसअपियर हो गया, डिसअपियर, एंड ही न्यू, और वो जानता था, ही न्यू दैट ही हैड कम पास्ट कबीर लेन, मतलब बाजार खत्म हो गया, क्या ना कबीर लेन से आगे आ चुका है वो, एज नो मोर लाइट, कौन सी लेन थी देखो, फिर क्वेश्चन बनता है, कबीर लेन, उसका नाम क्या था, कबीर लेन, एज नो मोर लाइट फेल इन द स्ट्रीट फ्रॉम द शॉप्स, अब है ना गली में दुकानों से कोई लाइट नहीं आ रही थी, एट द जंक्शन, जंक्शन जहां दो राय होते हैं, ऑफ मार्केट रोड एंड लोली एक्सटेंशन, एक एक रास्ता मार्केट रोड पे चला जाता है, दूसरा लोली एक्सटेंशन की तरफ, देयर वाज अ शॉर्ट पेरापेट ओवर ए कलवर्ट, वहां पे क्या था, एक पुलिया बनी हुई थी, पुलिया बनी हुई थी, पुलिया के ऊपर क्या था, पेरापेट था, मतलब मुंडेर बनी हुई थी उसके ऊपर। एज यूजुअल द वैगन्स वाज सिटिंग ऑन इट स्टेयरिंग एट पासर बाय एंड स्पिटिंग इन टू द गटर, ठीक है ना, वहां पे कौन था, उस पुलिया, एक वैगन्स था, वैगन्स होता है बेटा खानाबदोश, जिसके घर नहीं होता, भिखारी मान लो, वो वहां पे बैठा था और घूर रहा था, स्टेयरिंग घूर रहा था, पासर बाय जो भी आ रहा था जा रहा था उसको, एंड स्पिटिंग, और थूक रहा था किसमें, नाली में, वहीं पे जो गटर था ना पास में नाली, उसमें थूक रहा था, एंड द डंकी स्टूड बिसाइड द वॉल, वहीं पे एक गधा खड़ा था दीवार के पास में, एज इफ इट वर ऑफरिंग इट सेल्फ फॉर टारगेट प्रैक्टिस, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपनी टारगेट प्रैक्टिस मतलब ऑफर कर रहा हो कि आओ मेरी सवारी करो। जगन न्यू, जगन जानता था, व्हाट द वेगरिन वाज वेटिंग फॉर, जगन को पता था कि ये जो भिखारी है ना वो किसका इंतजार कर रहा है, फॉर द डाइनिंग लीव्स, किसका इंतजार कर रहा है, खाने वाले पत्तों का, जिनके पत्तों के ऊपर पहले खाते थे खाना, टू बी कास्ट आउट ऑफ द होम्स इन कबीर लेन, जिनको अभी कबीर लेन की के घरों से अभी फेंका जाएगा, ही वुड कलेक्ट देम, उनमें से वो कलेक्ट करेगा उन सारे पत्तों को, और स्कूर देम विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से उसको शुद्ध साफ सफाई करेगा, स्कूर करेगा, छाटेगा, एंड फिल इज बेली, और अपना पेट भरेगा विथ एनी वेजिटेबल्स, कोई सब्जी छोड़ेगा उससे, कोई चावल बच जाएगा उससे, दैट माइट बी लेफ्ट ऑन देम, जो उन्होंने छोड़ा है। द रिमेडी वुड बी फॉर आवर नेशन टू चेंज इट्स हैबिट, जगन सोचता है कि यार ये आदत हमारे देश की बदलनी चाहिए, है ना, फॉर पीपल टू ईट ऑफ प्लेट्स, लोगों को किस में खाना खाना चाहिए, ऑफ प्लेट्स मतलब बर्तन होते हैं ना प्लेटों में खाना खाना चाहिए, एंड नॉट यूज लीव्स, पत्तों का यूज नहीं करना चाहिए, फॉर द पर्पज, इस खाने के पर्पज के लिए, फिर क्या होगा, नहीं फेंकेगा तो भिखारी कहाँ से खाएगा, मतलब भिखारी भिखारी वगैरह की जो प्रैक्टिस है ना वो हमारे देश में बदलनी चाहिए। द प्लेट्स कुड बी वॉश्ड एंड केप्ट, क्योंकि वो जो प्लेटें होगी ना उनको हम धो करके वापस रख लेंगे, अनलाइक द लीव्स, है ना, पत्तियों को नहीं, विच आर थ्रोन आउट आफ्टर डिनर फॉर वेग्रेन टू पिक, और उन पत्तियों को जिनको फेंकते हैं ना उनको फिर बाद में ये डिनर के लिए कौन उठाता है, ये वेग्रेन उठाता है। जगन रिफ्लेक्टेड ही वाज फॉर ए मोमेंट रेग्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंप्रूवमेंट, फिर क्या है, वो राष्ट्रीय समस्याओं के, उसी क्षण उसका दिमाग चलता है राष्ट्रीय समस्याओं पर कि कुछ राष्ट्र में बदलना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कई दिशाओं में काम होना चाहिए, वेरियस डायरेक्शंस में काम होना चाहिए, इफ एवरीवन गिव अप डाइनिंग लीव्स, यदि सभी लोग खाने की पत्तियों को छोड़ देंगे, गिव अप यानी त्याग देना, छोड़ देंगे, तो दोज एंगेज्ड इन द लीफ ट्रेड वुड बी थ्रोन आउट ऑफ देयर प्रोफेशन, तो फिर क्या होगा, बेचारे जो इस पत्तियों के व्यापार में मतलब पत्तियों के धंधे में जो लगे हुए हैं, जिनकी प्लेटें बनाते हैं ना, उनके प्रोफेशन, उनका धंधा, एंड एन अल्टरनेटिव इंगेजमेंट वुड हैव टू बी फाउंड फॉर देम, तो फिर उनका क्या होगा, इसलिए उनके लिए क्या करना चाहिए, एक अल्टरनेटिव इंगेजमेंट भी होना चाहिए उनके लिए, कोई वैकल्पिक दूसरा काम होना चाहिए जो उनके लिए पहले खोजा जाना चाहिए, बाद में ये पत्तल वगैरह का काम बंद करवाना चाहिए, बट फर्स्ट स्टैटिक शुड बी टेकन, लेकिन इस इन सबको सोचता हुआ चल रहा है वो भाई यार, लेकिन फिर क्या होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐसा करने के लिए पहले तो
आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, स्टेटिक्स शुड बी टेकन, आंकड़े जुटाने पड़ेंगे ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन के, है ना, जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो ईटिंग ऑफ लीव्स में खाती है ना, एंड ऑफ लीव्स का मतलब बिना पत्तियों के, और दोज ईटिंग ऑफ प्लेट्स, और उनकी जिनकी प्लेट्स में खाते हैं उनकी, व्हाट काइंड ऑफ द प्लेट, उनकी प्लेटें किस प्रकार की है, सिल्वर की है, एल्यूमिनियम की है, या अन्य किसी धातु की, किस धातु की प्लेटों में वो लोग खाते हैं, कितने लोग खाते हैं, कितने प्रतिशत लोग नहीं खाते, कितने प्रतिशत लोग पत्तियों के में भोजन करते हैं, ये आंकड़े जुटाने पड़ेंगे। हाउ मेनी वर एंगेज्ड इन गैदरिंग द ड्राई लीव्स, कितने लोग ऐसे हैं जो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ मेम्पी, मेम्पी के जंगलों से, एंड स्टिचिंग देम विद द लिटिल स्प्लिंटर्स, और उसके बाद में कितने लोग ऐसे हैं जो इनको स्टिच करते हैं, है ना, मतलब दो तीन पत्तियों को एक साथ जोड़ करके पत्तल बनाते हैं ना, एंड हाउ मेनी इन कल्टिवेटिंग स्पेशल बनाना लीव, कितने लोग ऐसे हैं जो स्पेशल केले की पत्तियां खाने में यूज करते हैं, यूज फॉर डाइनिंग में यूज करते हैं, टिल ऑल दिस वॉज डन ऑन ए नेशनल स्केल, ये सारा काम क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रीय पैमाने पर चलना चाहिए, दिस वेग्रेंट वुड कंटिन्यू टू रिमेन हियर, और तब तक बोले इस भिखारी को बेचारे को यही रहने दिया जाना चाहिए। लेट इन द नाइट ही एमर्ज्ड, ये टेक्स्ट अब क्या है कि वीडीएफ से उठाया हुआ है, तो वैसे समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ वैसे। लेट इन द नाइट ही एमर्ज्ड फ्रॉम हिज कलवर्ट एंड वेंट डाउन द स्ट्रीट्स क्राइंग एट एवरी डोर, अब क्या करेगा यही जो एमिग्रेंट, क्या करेगा लेट नाइट को, फिर इस कलवर्ट से, इस पुलिया से नीचे उतरेगा, बैठ जाऊं एंड गलियों में जाएगा, फिर जोर जोर से चिल्लाएगा, क्राइंग एट एवरी डोर, हर दरवाजे में जाके चिल्लाएगा, ओ गुड मदर, अरे माँ, गिव ए हैंडफुल ऑफ राइस, मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, फॉर दिस हंग्री वन, मैं भूखा हूँ, मेरी भूख मिटाने के लिए, मतलब मांगेगा भीख। ही हैड ए डीप वॉइस, उसकी आवाज भी कैसी थी, बड़ी मोटी थी, गहरी थी, विच पिनेट्रेटेड द डोर एंड रीच द किचन बियॉन्ड, जो दरवाजों में से चीरती हुई कहाँ चली जाती थी, रसोई तक चली जाती थी। हिज टोन आल्सो क्वाइट ट्रबलसम चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे ट्रबलसम जो शैतान बच्चे होते थे ना, उन वो उसकी टोन से इन बच्चों को भी चुप कराया जाता था, जैसे वो कहते हैं ना, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, लाइक दैट, है ना, एज ही वॉज डिस्क्राइब्ड टू बी ए मैन विथ थ्री आईज, क्योंकि उस आदमी के बारे में बच्चों को कहते थे कि इसके तीन आंखें हैं, और ही इज He is a disgrace to the nation. और वो क्या है, ऐसा व्यक्ति शर्म की बात है राष्ट्र के ऊपर। जगन कमेंटेड विद इन हिमसेल्फ, जगन खुद ही कमेंट करता है। एंड बाय द टाइम ही रीच्ड द स्टेच्यू ऑफ लोली, और उसी समय वो लोली स्टेच्यू तक पहुंच जाता है। ए फरलोंग ऑफ, एक फलांग आगे, हिज हेड थ्रोब्ड विद सेवरल नेशनल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स, है ना, खूब सारी चीजें, समस्याएं राष्ट्रीय और आदमी की प्रॉब्लम्स के ऊपर वो चिंतन करता चलता है, एंड देयर रेमिफिकेशंस, और उनका मतलब उनको कैसे हटाएं, उनको कैसे सुधारें, इस पर भी चिंतन करता है। सर फ्रेडरिक लोली फेसेड द सिटी, अब देखो ये जो स्टेच्यू बना हुआ था वहां पे मालगुडी शहर में, वो किसका स्टेच्यू था, ये फिर क्वेश्चन बनता है, सर फ्रेडरिक लोली का, जिसका चेहरा किधर था, सिटी की तरफ था, एंड इज बैक वाज सपोज टू बी द बैक ऑफ बियॉन्ड एट टाइम, और उसकी जो बैक थी ना, पीठ, उसके पीछे माना जाता था कि द बैक ऑफ बियॉन्ड एट वन टाइम द लिमिट ऑफ द सिटी एक्सपेंशन, मतलब उसकी पीठ के पीछे ये माना जाता था कि इसके पीठ के पीछे तक शहर की लिमिट आ गई, शहर की सीमाएं आ गई, अब शहर इससे आगे नहीं बढ़ेगा। But this prophecy was confounded when Loli extension, South extension, New extension, लेकिन ये जो prophecy थी ना, ये भविष्यवाणी वो बिल्कुल गलत साबित हुई, कब, जब Loli extension के सामने South extension बन गया, फिर New extension बन गया, all stretched out beyond the statue, statue के चारों तरफ colonial colonial बस गई। And Jagan's ancestral home, Jagan का जो पैतृक घर था ना, which had been the last house out skirting the city, वो शहर के अंतिम किनारे पे था, became the first one for all the newer colonies, आज वो क्या बन गया था, पहला घर बन गया था इन नई कॉलोनियों का, जो किसी जमाने में शहर का अंतिम घर था। As Jagan approached the statue, he
फेल्ट ए थ्रिल। जैसे ही जगन उस स्टैचू के पास पहुंचा, उसने और खुशी महसूस की, नॉट एट द स्पेक्टेकल ऑफ द एनर्माउस जेंटलमैन स्टैंडिंग इन द नेपोलियनिक एटीट्यूड। इसलिए नहीं खुश हुआ वो, क्योंकि ये जो स्टैचू खड़ा था नेपोलियन टाइप में वहां पे जेंटलमैन की तरह खड़ा था, इसलिए नहीं खुश हुआ। बिनाइली सर्वेइंग द हिस्ट्री एंड फॉर्चून ऑफ द मालगुडी इन द ग्रांड स्वीप, है ना, और वो स्टैचू सामने खड़ा हुआ क्या कर रहा था, इतिहास बता रहा था बड़ी सौम्यता के साथ, है ना, मालगुडी का, इन ए ग्रांड स्वीप। जगन हैड सीज्ड टू द नोटिस द स्टैचू फॉर ओवर 40 ईयर्स नाउ। जगन तो 40 सालों से उस स्टैचू की तरफ देखता भी नहीं था, बट बिकॉज ही एंटिसिपेटेड ए ग्लिम्पसेज ऑफ इट्स सन। लेकिन वो क्यों देखता था उधर उधर, अब क्यों खुश हुआ, क्योंकि उसे वहां उसका बेटा मिलता था माली। माली इंट्रोड्यूस हुआ है कैरेक्टर भाई, अब नया कैरेक्टर माली कौन है, जगन का बेटा है। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के दूसरी तरफ माली मिलता था उसे, माली। तो द पेडेस्टल हैड ब्रॉड स्टेप ऑल अराउंड, और वहां पे क्या चबूतरा बना हुआ था चारों तरफ, उस स्टैचू के चारों तरफ, विच सर्व्ड एज ए पार्क बेंच, जो एक पार्क बेंच की तरह था, फॉर द यंग जवान बूढ़े ऑफ द नेबरहुड। पड़ोस के जवान बूढ़े वहां आ जाते थे, पेंशनर जो रिटायर हो चुके वो वहीं आ जाते थे, आइलर्स जो काम नहीं है वो आ जाते थे, टायर्ड वर्कमैन थके हुए बेचारे मजदूर वहां आ जाते थे, सिकली सिटीजन एडवाइज्ड बाय देयर डॉक्टर्स टू इनहेल फ्रेश एयर। बीमार नागरिक जिनको डॉक्टर ये कहता था कि तुम्हें फ्रेश एयर लेनी है, वो भी उधर ही आ जाते थे शाम को, सेट फेसिंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, कोई ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठा, कोई वेस्ट की तरफ, कोई नॉर्थ की तरफ, एंड साउथ ऑन द स्टेप्स, और कोई वहां पे सीढ़ियों में साउथ की तरफ। स्टूडेंट्स वहां पे, जो स्टूडेंट्स थे ना, लीनिंग ऑन देयर साइकिल, साइकिल के ऊपर झुके हुए, फॉर्मड ए ग्रुप ऑन द साउदर्न स्टेप्स, साउदर्न की तरफ, है ना, दक्षिणी छोर की स्टेप्स की तरफ उनका दल वहां खड़ा रहता था स्टूडेंट्स का। ऑल ड्रेस्ड इन टाइट ट्राउजर्स, सारे के सारे टाइट ट्राउजर्स टाइट पैंटों में रहते थे, एंड कलरफुल शर्ट्स, सभी की शर्ट्स कैसी हुआ करती थी रंग बिरंगी। होटली डिस्कसिंग फिल्म स्टार्स, और ये बच्चे जो स्टूडेंट्स थे ना वो किस पे बातें करते थे, फिल्म स्टार, क्रिकेट पे बातें करते थे, फैशन पे बातें करते थे, ड्रेस एंड डिपोर्टमेंट पे बातें करते थे। जगन पास्ट द स्टैचू ऑन इट्स नॉर्थ साइड, जगन वो क्या वेस्ट इस साइड थे ना दक्षिणी छोर पे, तो जगन क्या नॉर्थ साइड से निकलता था, सो दैट ही माइट नॉट एम्ब्रेस इट्स सन, ताकि उसका बेटा देख करके उसको मतलब एम्ब्रेस नहीं हो, जैसे देखते ना पिताजी आगे एकदम से इसे, तो थोड़ा भाई घबराहट या एम्ब्रेस नहीं हो ना, झिझक नहीं हो उसको। बट ही लाइक टू मेक श्योर, लेकिन जगन ये भी चाहता था कि वो ये भी जान जाए कि दैट ही वाज ही देयर, कि बेटा यहीं पे है, इसलिए वो देखता जरूर था विद ए स्विफ्ट ग्लेंस, हल्के से जल्दी सी एक दृष्टि डाल करके उस ग्रुप में। ही स्पॉटेड माली, वो माली को देखता बाय द डीप येलो ऑफ हिज शर्ट, पहली शर्ट में माली वहां पे था, एंड द ब्रीफ ग्लिम्सेज फिल्ड हिम विद जॉय, और अपने बेटे को ऐसे थोड़ी सी देर एक झपकी से में देख करके बड़ी खुशी से उछलता था, खुश हो जाता था जगन। ही टिपटोड अवे लुकिंग एल्सवेयर, फिर वो धीरे धीरे टिपटोड का मतलब चुपके चुपके वहां से निकल जाता था, मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करते हुए, पुअर बॉय लेट हिम बी, बेचारा मेरा बेटा, बेचारा बच्चा, है ना, उसको यहीं रहने दो। ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन, जगन को अपने बेटे पे काफी क्या था प्राउड था, गर्व था, उसकी हाइट अच्छी थी, वेट अच्छा था, ग्रोथ अच्छी थी, देर आर अदर्स और भी कई थे, बट ही स्टैंड्स आउट फ्रॉम अमंग देम, लेकिन उन सब में वो अलग ही दिखता था। वंडर वॉच देखो, दिस इज माई चैनल अकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, और ये मेरा नंबर है, कोई भी समस्या हो, कोई कमी हो तो मुझे सजेस्ट करें, ये मैं हूँ। वंडर दैट गॉड हैज इन स्टोर फॉर हिम, और आश्चर्य करता कि भगवान पता नहीं उसके लिए क्या स्टोर करके रखा है, मतलब उसका भविष्य पता नहीं कैसा होगा। ही रिफ्लेक्टेड मस्ट गिव हिम मोर टाइम, और वो सोचता कि उसे और समय देना चाहिए। ही रीच्ड होम, फिर वो घर पहुंच जाता, हिज थॉट्स स्टिल होवरिंग अबाउट हिज सन, और अभी भी उसकी सोच उसके बेटे के लिए ही होवर हो रही है, मतलब बेटे के बारे में ही सोचता सोचता रहा है वो घर पहुंचने के बाद में भी। ही लेट हिमसेल्फ इन टू हिज हाउस, वो अपने आप को घर में पहुंच जाता, अपने घर में स्विच ऑन द लाइट, लाइट जलाता है इन द फ्रंट रूम की, सामने वाले कमरे की, टुक ऑफ हिज अपर क्लोथ, अपर क्लोथ उसका जिब्बा, है ना,
अपनी कुर्ते को खोलता है एंड हंग इट ऑन ए नेल इन द वॉल, और उसको टांगता है, एक कील लगी हुई है खूंटी कहाँ पे दीवार में, उससे टुक ऑफ हिज जिब्बा एंड थ्रस्ट इट इन टू ए बास्केट, है ना। अपर क्लोथ, पहले अपर क्लोथ जैकेट वगैरह होगी, फिर अपना कुर्ता खोलता है, फिर उसको एक बाल्टी में डाल देता है फॉर टुमारोज वॉश, अगले दिन धोने के लिए। ही पास्ड थ्रू द एंशियंट हाउसेज, है ना, वो प्राचीन मकानों पुराने घरों की के बीच में से होकर आया है, थ्रू इट्स ट्रिपल सीरीज ऑफ ओपन कोर्ट यार्ड्स, है ना। अच्छा, उसका घर है ना, उसका प्राचीन घर है, पुराना घर है ना, वो उसमें चलता है, ट्रिपल सीरीज है ओपन कोर्ट यार्ड, है ना, उसके घर के तीन भाग है। ओपन, पहला तो क्या है, ओपन कोर्ट यार्ड है, खुला मैदान है, फिर कॉरिडोर है, गलियारा है, एंड रीच द बैक डोर, और फिर कहाँ पहुंचता है, अपने घर के पीछे वाले दरवाजे पर, लिफ्टेड द क्रॉस बार, और क्या करता है, लिफ्टेड द क्रॉस बार, वहां पे जो जाली का गेट लगा हुआ है ना सरियों का, उसको उठाता है एंड लेट इट डाउन जेंटली, धीरे से उसको नीचे गिराता है। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट गेजिंग एट द स्टार्स, फिर वहां पे क्या करता है, वो पीछे जाकर के आंगन में रात को तारों को देखता है, एंथ्राल्ड एट द स्पेक्टेकल ऑफ ए फर्मामेंट, और फिर इन तारों की दुनिया को देखता है और बड़ी खुशी एंथ्राल महसूस करता है। वन स्टिल वंडर्स ही टोल्ड हिमसेल्फ, है ना, वो अपने आप से कहता है कि कोई भी ये देख करके बड़ा खुश होगा कि हम सब क्या है, इसी के एक हिस्से हैं। बट द प्रॉब्लम रिमेन्स, लेकिन समस्या ये रहती है कि हु लिव्स इन चूज, है ना, इनको चुनता कौन है। वी आर प्रोबेबली ग्लिम्पसिंग द रियल हेवन एंड डोंट नो अबाउट इट, हम है ना वास्तविक स्वर्ग के बारे में भी हम नहीं जानते कि ये कहाँ पे है। प्रोबेबली ऑल ओवर एंशियंट सेजेज, वो सोचता है कि शायद हमारे जितने भी प्राचीन साधु संन्यासी थे ना, आर लुकिंग डाउन एट अस, इन तारों के रूप में हमें नीचे देख रहे हैं। व्हाट आर दोज कॉन्स्टेलेशंस, है ना, और ये क्या है, तारों का समूह देखता है वो, एक ही कुडंट बी क्लियर अबाउट देम, उसके बारे में उसे पता नहीं है कि क्या है। हिज एस्ट्रोनॉमी वाज लिमिटेड, उसका ज्योतिषीय ज्ञान, खगोलीय ज्ञान सीमित है, टू द लोकेशन ऑफ द पोल स्टार, उसको सिर्फ यही पता है कि ध्रुव तारा कहाँ है, फ्रॉम द ओरियंस बेल्ट और द स्वर्ड सोर्ड, जो सप्तऋषि मंडल है ना उनमें से, और सम सच पॉइंट्स, ऐसे कुछ बिंदु पता है, फॉर विच नॉलेज ही हैड बीन अवार्डेड ए सेकेंड क्लास बेज मेनी ईयर्स अगो, और इस चीज के बारे में उसको सेकेंड, जब वो स्कूल में था ना तब उसको सेकेंड क्लास बेज भी मिला था, क्योंकि उसको सप्तऋषि मंडल का और पोल स्टार का पता था कहाँ था। व्हेन ही वाज बॉय स्काउट, जब वो स्काउट में था, स्काउट में रात को दिखाते हैं तारे वगैरह। फॉर ऑल द मिलियन स्टेलर बॉडीज स्पार्कलिंग, चारों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वहां पे वो स्टेलर बॉडीज चमकती है, तारे चमकते हैं। एज फार एज जगनवाज कंसर्न, जितना जगन सोचता है, दे माइट नॉट बी मोर देन द टू ही हैड बीन टॉट टू आइडेंटिफाई, दो से ज्यादा वो नहीं जानता इनके बारे में, वही पॉलिस्टार और ओरियन के अलावा, आइडेंटिफाई इन एडिशन टू ओरियन एंड द पॉलिस्टार। देखो ये क्वेश्चन बनता है, इन द एस्ट्रोलॉजी में जगन किन चिन चीजों को जानता है ना, तो देखो ये ओरियन एंड द पॉलिस्टार, इसलिए टेक्स्ट पढ़ना जरूरी होता है। ही ऑफन नोटिस्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइवली फायरवर्क्स, वो देखता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइवली, सजीव वो जो तारे चमकते हैं ना फायरवर्क्स, उनको देखता है इन द स्काई, आसमान में, विच समटाइम्स स्टूड पोइज्ड ओवर द अर्थ इन द वेस्टर्ली डायरेक्शंस, जो कि कई बार क्या होते हैं, स्टूड पोइज्ड ओवर द अर्थ, जमीन से दिखाई देते हैं अर्थ से, इन द वेस्टर्ली डायरेक्शन में। ही कॉल्ड इट समटाइम्स वीनस, अच्छा कुछ गुच्छों को देखता है वो नीचे से, तो कई बार उनको बोलता है, उसको पता नहीं रहता है क्या ये गुच्छे, कई बार उनको वीनस बोलता है और कई बार उनको जुपिटर बोलता है, दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानता है, लेकिन वो दो नामों से जानता है, कभी समझता है ये बृहस्पति है, कभी समझता है ये वीनस है, जुपिटर है, नेवर बीइंग श्योर, फिर भी श्योर नहीं होता वो, बट एडमायरिंग इट अनरिजर्वडली, लेकिन उनकी प्रशंसा करता है भाई खुले मुंह से, बेबाक दिल से, एंड फीलिंग प्राउड, और गर्व महसूस करता है, दैट ही वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ द सेम क्रिएशन, इस बात पे गर्व महसूस करता है कि ये तारे, ये वीनस, ये ओरियन, ये स्काई, ये जमीन, और इन सब का मैं भी एक हिस्सा हूं। ऑल दिस वाज ए हैबिचुअल सेकंड ऑफ कंटेम्पलेशन
वेन एवर ही पास इन टू द बाथरूम इन द बैकयार्ड। और ये उसकी आदत बन गई थी हमेशा देखने की जब वो पीछे के बैकयार्ड में अपने बाथरूम में जाता था। बाथरूम की कैसा था आप देखो, द बाथरूम वाज ए शेक रूप्ड विथ कॉन्ग्रेटेड शीट्स। उसकी शीट्स मतलब जो उसका छत थी ना वो बिल्कुल इसे शेक टूटी फूटी सी छत थी। बिटन आउट टिन वाज फिक्स्ड एनी हाउ टू ए वुडन फ्रेम, लकड़ी के फ्रेम में क्या टिन को जोड़ करके दीवारें बनाई हुई थी। टू सर्व ए डोर, एक दरवाजा बनाया हुआ था ऑन रस्टी हिंजेज, जिसके कब्जे होते हैं ना किवाड़ के जो कब्जे होते हैं वो पकड़ते हैं, वो रस्टी थे, कैसे थे, जंग लगे हुए थे। द वुडन फ्रेम वाज वार्प्ड एंड द डोर नेवर सेट फ्लश, है ना, वुडन फ्रेम भी टूटा फूटा था, दरवाजा भी ठीक से नहीं जुड़ा जाता था। बट ऑलवेज लेफ्ट ए गैप थ्रू विच वन ऑब्टेन ए पार्शियल ग्लिम्पसेज ऑफ एनीवन बाथिंग, मतलब जुड़ने के बाद में भी इतना गैप बच जाता था कि कोई किसी को नहाती है उसमें देख सकता है बाहर से भी। बट इट हैड बीन ए हाउस प्रैक्टिस, लेकिन ये घर की परंपरा थी, संस्कृति थी, फॉर जनरेशंस, फॉर इट्स मेंबर्स नॉट टू लुक थ्रू, क्योंकि कोई लोग नहाते हुए किसी को इधर उधर ताका जाकी नहीं कर दे, नहीं करे। दिस बाथरूम रिमेन्ड वेरी मच व्हाट इट हैड बीन इन द डेज ऑफ हिज फादर, ये बाथरूम वैसा का वैसा था जैसा उसके पिता के दिनों में था, मतलब इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हुई थी। हु हैड रेसिस्टेड ऑल सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, उसके पिता जो मना कर देते थे सभी सलाहों को, इसके इम्प्रूवमेंट को, या बाथरूम को थोड़ा ठीक करवा लो, उसके पिता मना करते थे। क्या कहते थे, आफ्टर ऑल ही डिक्लेयर्ड, वो डिक्लेयर करते थे कि नो वन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इन ए बाथरूम, कि किसी को भी बाथरूम में रहना थोड़ी है यार। वन हैड बेटर कम आउट ऑफ इट सून सो दैट द रेस्ट मे हैव ए चांस टू टाइडिंग देमसेल्व्स, है ना, कि जितनी जल्दी हो सके इसमें से आदमी बाहर आ जाए ताकि दूसरा आदमी भी क्या करे अपनी साफ सफाई करने के लिए अंदर चला जाए। ए वेरी टॉल कोकोनट ट्री लूम्ड ओवर द बाथ, अब उस बाथरूम के ऊपर एक बड़ा सारा नारियल का पेड़ था, शेडिंग एनर्मस विदर्ड फोन्स एंड अदर हॉर्टिकल्चर ओड्स, और उससे कोकोनट के पेड़ से खूब सारी मात्रा में मतलब सूखी पत्तियां और भी सूखे कोई डंठल वगैरह गिरते रहते थे, एंड एंड्स ऑफ द कोरुगेटेड रूफ के ऊपर गिरते रहते थे विद ए रिसाउंडिंग थड, थप 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 की आवाज आती थी उनको गिरते थे तब। एवरीथिंग इन दिस होम हैड द सैंक्टिटी ऑफ यूजेस, है ना, इस घर में सब चीजें, एवरीथिंग इन दिस होम, इस घर में सब चीजें हैड द सैंक्टिटी ऑफ यूजेज, काम में लेने के लिए थी, सैंक्शन की हुई थी मतलब, विच वॉज द रीजन वाई नो इम्प्रूवमेंट, और इसी वजह से यही कारण था कि कोई इम्प्रूवमेंट वाज पॉसिबल नहीं था इस घर में, क्योंकि घर में सब चीजें क्या थी जो बनाई हुई थी ना वो सब चीजें मतलब यूजेज, प्रयोग में आ रही थी, उपयोग में आ रही थी, कोई भी चीज बेकार नहीं थी, इसलिए इस घर में कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं थी। जगन्स फादर, जगन के पिता, एज एवरी वन न्यू, जैसा कि सब जानते थे, सबका मतलब गाँव वाले ने, हैड लिव्ड एट फर्स्ट इन ए थेच्ड हट, सबसे पहले एक वो झोंपड़ी में, कच्चे झोंपड़ी में रहा करते थे, एट द वेरी बैक ऑफ दिस ग्राउंड, जो इस ग्राउंड के पीछे थी, कभी उसके पिता रहा करते थे जगन के। जगन रिमेम्बर्ड प्लेइंग इन ए सैंड हीप आउटसाइड द हट, जगन को आज भी याद है कि वो पीछे खेलते थे, झोपड़ी के पीछे मिट्टी में खेलते थे। द फ्लोर ऑफ द हट वाज पेव्ड विद कूल क्ले, और जो झोपड़ी का जो फर्श था ना वो बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ था, ठंडी मिट्टी का। एंड वन कुड पुट वन्स चीक टू इट ऑन ए वार्म डे, और कोई भी व्यक्ति गर्मी के दिनों में, है ना, अपनी चीख को, अपने गाल को इस फर्श पे लगा करके हेवनली फील कर सकता था, स्वर्गिक फील, मतलब ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा कूल कूल फील कर सकता था। हिज फादर हैड आल्सो ट्रेन्ड अप ए बीनस्टॉक ऑन टू द थेच एंड वॉच्ड इट्स डेवलपमेंट, उसके पिताजी ने वहां पे क्या लगा रखा था, पेड़ पौधों की मतलब खूब सारी कतारें लगा रखी थी, है ना, और जिनको वो हमेशा उनके डेवलपमेंट को देखता रहता था कि कितना पेड़, कौन सा पेड़ कितना बड़ा हुआ, विद एन एक्सीडेंट के साथ सावधानी पूर्वक। व्हेन ही फाउंड सम मनी, जब भी उसके पिता के पास थोड़ा बहुत पैसा आया, ही पुट अप द वॉल्स ऑफ द बाथरूम, उसने बाथरूम की दीवारें बनाई, है ना, लेइंग द ब्रिक्स ईंटों से विद हिज ओन हैंड, अपने हाथों से, एंड दैट बिकेम प्रैक्टिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाउस, मतलब इस नए घर को बनाने का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये बाथरूम था, सबसे पहले उसके पिता ने बाथरूम से शुरुआत की थी, क्योंकि बाथरूम क्या है, प्राइमरी आवश्यकता है। दे
फेच द वाटर फ्रॉम ए वेल, वो एक कुएं से पानी लाते थे अक्रॉस द रोड, रोड के पार जो कुआ था, और उस पानी को स्टोर करते थे इन इट ए कोल्ड ओल्ड केरोसिन टीन्स एंड ड्रम्स, केरोसिन के खाली टीन में ड्रमों में इस पानी को क्या करते थे, स्टोर करते थे, इकट्ठा करते थे, भरते थे मतलब. हिज फादर एक्सपेंडेड द हाउस, फिर उसके पिताजी ने इस घर को एक्सपेंड किया, मतलब बढ़ाया थोड़ा, फ्रॉम द बैक यार्ड से, पीछे की तरफ से इस मकान को बढ़ाया, मतलब पहले काम पीछे की तरफ से शुरू हुआ था, टू द फ्रंट आगे की तरफ, मतलब बैकवर्ड्स टू फ्रंट ये एक्सपेंड हुआ मकान, पीछे से आगे की तरफ बढ़ता गया. एज ए चाइल्ड, बच्चे के तौर पे जगन हैड नो नोशन हाउ हिज फादर्स फॉर्च्यून इंप्रूव्ड, जगन को बिल्कुल भी कोई पता नहीं है कि उसके पिताजी किस चीज से कमाते हैं, ठीक है ना. ऑल दो ही हर्ड वेग वर्ड्स, हालांकि आज भी उसको स्पष्ट शब्द है ना वो सुना करता था, सच एज अपील, लायर्स, लोअर कोर्ट, मतलब अपील, वकील, निचली अदालत, ऊपरी अदालत. बाय द टाइम ही बिकेम एन एडल्ट, है ना, वो युवा हुआ तब तक, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज अफेयर्स, समझने लग गया था. बाय द टाइम ही बिकेम एन एडल्ट, अडल्ट हुआ तब तक, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज अफेयर्स, है ना, कि ये क्या मामले हैं. दे वर ओवर एंड ही नेवर कुड एक्सप्लेन, वो खत्म हो गए, उसके बाद में उसने कभी कोई एक्सप्लेन नहीं किया. व्हाट द लिटिगेशंस वर अबाउट एंड अगेंस्ट होम, कि ये जो न्याय, ये जो पिटिशंस लगती थी, याचिकाएं, ये जो लिटिगेशंस लगते थे, वो किसके लिए लगते थे और किसके विरुद्ध लगते थे. देयर केम ए टाइम व्हेन द हट वाज फाइनली पुल्ड डाउन, फिर एक समय आया कि इस हट को, इस झोंपड़ी को फाइनली गिरा दिया गया. इट्स थेचेज वर यूज्ड फॉर हीटिंग ए कॉल्ड्रन ऑफ वाटर फॉर ए बाथ, इसकी जो छत थी ना, तिनकों की जो बनी हुई थी थेच, है ना, उसको तो पानी गर्म करने के लिए, नहाने का पानी गर्म करने के लिए काम में लेने लग गए. एंड द कूल मड फ्लोर वाज टोर्न अप एंड डग इनटू पिट्स फॉर प्लांटिंग कोकोनट सीडलिंग्स, और जो नीचे फर्श था ना, फर्श के अंदर खड्डे खोद दिए गए जिनमें प्लांटेशन की जाने लगी नारियल के, नारियल की पौध की. हिज फादर स्पेंट ए होल वीक इन दिस ऑपरेशन, इस मकान को बनने में जगन के पिताजी ने पूरा एक सप्ताह लगाया था. जगन हैड हिज ब्रदर्स कैरी डो बास्केट्स ऑफ सोवर्ड, जगन और उसके भाई बास्केट, मतलब परात, छाबड़ी मान लो, सोवर्ड, फावड़े से खोद खोद करके इस मिट्टी को लाया करते थे. अर्थ स्क्रीमिंग विथ डिलाइट, बड़े जोर जोर से चिल्लाते थे, मतलब खुशी खुशी वो काम करते थे. लेट अस बिल्ड ए माउंटेन, चलो एक पर्वत बनाते हैं, पर्वत बनाते से मिट्टी खोद खोद के लाते थे, कहाँ से करके. फादर हैड हिट हिज थियोरीज ऑफ कोकोनट रियरिंग एंड फिल्ड द पिट्स विथ ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ साल्ट, उसके पिताजी है ना, उनकी कोई थ्योरी थी, पिताजी का सिद्धांत था कि कोकोनट का पेड़ रियर होने के लिए, पलने पोसने, बड़े होने के लिए, है ना, फिल्ड द पिट्स, उन गड्ढों के अंदर क्या डाल दिया, क्या डालो, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ, खूब सारा नमक डालो. साल्ट इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक ए कोकोनट ट्री ग्रो, साल्ट नमक ही एक ऐसी चीज है जो कोकोनट के पेड़ को बड़ा होने में सहायता प्रदान करती है. ही रिमार्क्ड एवरी डे, वो रोजाना ये भी कहता था कि शो मी द मैन हु कैन ग्रो ए कोकोनट ट्री प्रॉपरली, मुझे ऐसा कोई आदमी दिखाओ जो कोकोनट के पेड़ को ठीक तरीके से उगा सके. एंड आई विल शो यू वन विथ ए प्रैक्टिकल हेड ऑन हिज शोल्डर, नहीं तो मैं मेरे कंधों के ऊपर वैसा चेहरा दिखाता हूँ, मतलब खुद के बारे में कहता था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ. रेगुलरली एट फाइव इन द मॉर्निंग, रोजाना सुबह 5 बजे जगन गोट अप फ्रॉम बेड, 5 बजे जगन बेड से उठता था. ब्रोक ए ट्विग फ्रॉम ए मार्गोसा, और मार्गोसा की एक टहनी तोड़ता था. मार्गोसा क्या, मार्गोसा बुने नीम, नीम नीम वाला, तो नीम को कहते मार्गोसा. मार्गोसा की एक टहनी तोड़ता था इन द बैकयार्ड से एंड च्यूड इट्स टिप, उसकी एक सिरे को चबाता था ताकि वो ब्रुसा बन जाए. एंड ब्रश्ड हिज टीथ, और अपने दांतों को उससे ब्रश करता था. ही वॉज अपोज टू द यूज ऑफ टूथब्रश, टूथब्रश के बिल्कुल खिलाफ था वो, कि टूथब्रश है ना, टूथब्रश से कोई दांत वांत साफ करे, इस थ्योरी के बिल्कुल भी खिलाफ था वो. पानी पी लो थोड़ा सा. ओके, ही वॉज अपोज टू यूज ऑफ ए टूथब्रश, द ब्रिसल्स आर मेड ऑफ द हेयर फ्रॉम द पिग स्टेल, क्योंकि टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ना, वो जो साफ करने के लिए उसके उसके अंदर जो ब्रश में ब्रश होते हैं, वो बोले सुअर की पूंछ के बाल होते हैं, बालों से बने हुए होते हैं. ये डिक्लेयर्ड
अनथिंकेबल दैट एनी वन शुड बाइट ए पिग्स टेल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और ये बोले कितनी बुरी बात है, अनथिंकेबल बात है कि कोई आदमी सुबह सुबह उठते ही सुअर की पूंछ के बाल अपने मुंह में ले। इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिस्टेंगल द सोर्सेज ऑफ हिज थियरीज एंड से व्हाट ही ओव्ड टू महात्मा जी एंड हाउ मच ही हैड इम्बाइब्ड फ्रॉम हिज फादर। अब साहब ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि है ना, दिस एंटेंगल द सोर्सेज ऑफ हिज थ्योरी, जगन के जो सिद्धांत थे ना उनका स्रोत क्या था, क्या कितने सिद्धांत उसने महात्मा गांधी जी से लिए थे और कितने सिद्धांत उसने अपने पिता से लिए थे, हु हैड आल्सो स्पेंट अ लाइफ टाइम परफेक्टिंग हिज थ्योरीज ऑफ साउंड लिविंग एंड ट्राइंग देम ऑन हिमसेल्फ, है ना, जो सारी उम्र सारी जिंदगी परफेक्टिंग थ्योरीज परफेक्ट हिज थ्योरीज टू साउंड लिविंग, जीने की कला एंड ट्राइंग देम ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर लागू करता प्रयास करता था। हिज कोकोनट ट्रीज चिल्ड्रंस एंड वाइफ्स, उसके कोकोनट के पेड़, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ नाइलॉन ब्रिसल्स, जगन नेवर चेंज हिज व्यूज। यहाँ तक कि जब टूथब्रश में नाइलॉन आने लग गया, नाइलॉन के वो ब्रश बन के आने लग गए ना, तब भी उसने अपनी थ्योरी को चेंज नहीं किया। मेंटेनिंग द नाइलॉन हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनामेल, और वो कहता था कि नाइलॉन क्या करता है, मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इससे मसूड़े खराब होते हैं। यू डिसबिलीव मी, रिमेंबर माई फादर हु डाइड एट 90 विदाउट ए सिंगल टूथ लूज इन हिज जॉ। वो कहता था जगन कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे कि मेरे पिताजी 90 की एज में मरे थे, लेकिन एक भी दांत उनके जबड़े में कम नहीं हुआ था, मतलब दांत सारे साबुत थे। जगन हैड इमेंस फेथ इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मार गोसा, मतलब नीम के जो गुण है ना उनमें खूब ज्यादा विश्वास करता था। एंड इन स्पाइट ऑफ इट्स बिटरनेस, इसकी कड़वेपन के बजाय ही कॉल्ड इट अमृता, वो नीम को क्या कहता था, अमृता नाम से पुकारता था। एंड एम्ब्रोसिया विच केप्ट द गॉड्स अलाउ, और वो कहता था ये अमृत है, ये तो वो है जिसको देवता पीकर जिंदा रहते हैं। एंड समटाइम्स ही कॉल्ड संजीवनी, कई बार नीम को क्या बोलता था, वो संजीवनी भी बोलता था। द रेयर हर्ब मेंशन इन द एपिक्स, है ना, बोलिए ऐसा रेयर हर्ब है, दुर्लभ ये जड़ी बूटी है जिसका जिसको मेंशन किया गया है किनमें, एपिक्स में, महाकाव्यों में भी, पुराणों में भी। विच हेल्ड एट द नोस्ट्रिल्स कुड बींग द डेड ऑफ लाइफ, यदि इसकी खुशबू को किसी के नाकों में डाल दिया जाए ना तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है, बोले इतना गुणवान पेड़ है ये। ही नेवर सीज्ड टू फील ग्रेटफुल टू हिज फादर फॉर प्लांटिंग ए सीडलिंग इन हिज टाइम एंड प्रोवाइडिंग हिम विथ ए पेरेनियल सोर्सेज ऑफ ट्विग्स, वो अपने पिता के प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहता था, कृतज्ञ रहता था कि उसके पिता ने ये पेड़ यहाँ पे उगाया जिससे कि इसकी ट्विग्स, इनकी टहनिया उसको दांत साफ करने के काम में आ रही है। इनफ फॉर हिज जनरेशन, और ये बोले उसकी पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त, इतना बड़ा नीम का पेड़ मेरे पिता लगा के गए हैं। कंसिडरिंग द डायमेंशन ऑफ द ट्री, ट्री के डायमेंशन को देख करके, ट्री के आकार प्रकार को देख करके वो कहता था। ही च्यूड इट्स बिटर लीव्स, वो इसकी कड़वी पत्तियों को चबाता था वंस ए मंथ, महीने में एक बार जरूर। एंड इट्स डिस्ट्रॉयड ऑल बैक्टीरिया इन द सिस्टम, और मानता था कि ये हमारे पेट में, हमारे शरीर में सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देगा। एंड ही फेल्ट इलेटेड व्हेन द ब्रीज ब्लू, और वो ये मानता था कि जब नीम की हवा चलती है, हवाएं चलती है, द एयर पासिंग थ्रू द मार्गोसा, और ये हवाएं जब नीम के पेड़ को पास करती है, उसकी टहनियों में से निकलती है, बिकेम एन एंटीटाइफाइड एजेंट, तो बोलिए एंटीटाइफाइड एजेंट बन जाती है, मतलब इससे टाइफाइड भी नहीं होता। एंड ड्यूरिंग द समर रेन्स, बरसात के दिनों में, गर्मियों की बरसात के दिनों में, द प्लेस बिकम फ्रेग्रेंट एज द लिटिल येल्लो फ्लावर्स ड्रिप्टेड डाउन लाइक फ्लोस, और बोले ये स्थान बिल्कुल नीम की पीली पीली फूल आ जाते थे और वो नीचे गिरते थे फ्लोस की तरह, बिल्कुल ऐसे वो गिरता है ना, क्या बोलते हैं, रेशम की तरह, है ना। ही कलेक्टेड देम, उसके बाद में वो इनको क्या करता था, कलेक्ट करता था रेशों की तरह, फ्लोस का मतलब जिससे रेशे गिरते हैं ना वैसे। ही कलेक्टेड देम, इन छोटे छोटे नीम के फूलों को वो इकट्ठा करता, फ्राइड देम इन घी, फिर घी में उनको फ्राई करता। एंड कंज्यूम्ड द अम्ब्रोसिया फॉर ऑल इज वर्थ वंस ए वीक, और फिर उसको
इकट्ठा कर लेता और सप्ताह में एक बार जरूर खाता वो इसको। हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू एसोसिएट हरसेल्फ विद एनी ऑफ हिज हेल्थ गिविंग एक्टिविटीज। उसकी पत्नी नहीं मानती थी उसकी, ये जो स्वास्थ्य संबंधी वो जो डॉक्टरी दिखाता था ना, इन सारी गतिविधियों को उसकी पत्नी नहीं मानती थी। शी हेटेड हिज थियोरीज, वो उसकी सिद्धांतों से नफरत करती थी। एंड लिव्ड हर लाइफ हर ओन लाइफ, और अपने जीवन अपने हिसाब से जीती थी। देयर फर्स्ट क्लेश अकर्ड व्हेन ही फॉरबेड हर टू स्वेलो एस्पिरिन। उनकी पहली लड़ाई तब हुई थी जब उसने मना कर दिया, किसने, जगन ने मना कर दिया क्या खाने के लिए, एस्पिरिन, सरदर्द की गोली आती है एस्पिरिन खाने के लिए। एंड सजेस्टेड दैट शी शुड ट्राई ए लिटिल मार्गोसा फ्लावर, कि उसको क्या करना चाहिए, मार्गोसा नीम के फूलों को घी में वही पका करके उनको चबाना चाहिए बजाय एस्पिरिन खाने के। इट फॉर इट सेल्फ फ्रॉम हेडेक, जिससे कि सरदर्द में रिलीफ मिलेगी तुझे, आराम मिल जाएगा। स्केच इट बी साइड द एंशियंट पिलर इन देयर कोर्टयार्ड, वो सीटेड, सॉरी सीटेड मैंने कहा, थोड़ा सा टेक्स्ट फिर भी मैं बोल दूंगा, आप समझ में आ जाएगा, ये सीटेड है। सीटेड बिसाइड द एंशियंट पिलर, एक खंबे के पास में बैठी उसकी पत्नी, इन देयर कोर्टयार्ड, आंगन में। शी हैड नोटेड ए टॉवल अराउंड हर टेम्पल्स, उसने अपने सर के ऊपर एक तौलिया बांध रखा है। एंड स्वेड मेडली बैक एंड फोर्थ, और बुरी तरह से चिल्ला रही है, एंड डेस्परेटली बेगिंग फॉर एस्पिरिन, और कह रही है मुझे एक गोली दे दो, एस्पिरिन ला दो, एस्पिरिन ला दो, सर दर्द हो रहा है। जगन वाज वेरी सिंपैथेटिक, जगन वैसे अच्छा आदमी था नो डाउट, बट वाज कन्विंस्ड दैट एस्पिरिन वुड डू हर नो गुड, और उसने उसको कन्विंस किया अपनी पत्नी को कि एस्पिरिन से तुझे कुछ नहीं होगा। शी हैड जस्ट लुक्ड अप एट हिम एंड सेड, उसकी पत्नी ने उसकी तरफ देखा और बोली, ओ दिस हेडेक इज नॉट हाफ एज अनबेरेबल एज योर टॉक, कि ना ये हेडेक तो सहन कर लूंगा मैं, लेकिन तेरी बातें मुझे सहन नहीं होती। जगन को बोली कि तू बातें बता रहा नहीं, मैं ये गोली दे दे मेरे को, यू वुड सूनर सी मी डेड, तू मुझे जल्दी मरा हुआ देखे, देखना चाहता है, मतलब देखेगा एक दिन। आई सपोज मैं मानता हूं योर हेडेक हैज मेड यू क्रेजी, जगन ने बोला मुझे पता है तेरा सरदर्द हो रखा, पागल हो गई तू। ही सेड हिज टेम्पर राइजिंग, थोड़ा सा तेज आवाज में। ही हेटेड हर अपीयरेंस विद दैट सिली टॉवल नोटेड अराउंड हर हेड, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि किस प्रकार उसने तौलिया बांध रखा था अपने सर पे। एंड हर डिशेवल्ड हेयर, और उसके बाल चारों तरफ फैले हुए थे। शी लुक्ड गोलिश एंड नो वंडर शी सफर्ड इनएक्सप्लीकेबल हेडेक्स, है ना, कि वो भूत की तरह लग रही थी, बिल्कुल भूतिया लग रही थी, लेकिन वो असहनीय सरदर्द से गुजर रही थी। ही सडनली रियलाइज दैट ट्रेंड्स ऑफ हिज थिंकिंग एंड सप्रेस्ड इट विद ए डेलिबरेट एफर्ट, फिर उसने धीरे से माना इस चीज को और अपने इस चीज को प्रेस किया, दबा, मतलब छोड़ो बल, दमन किया अपनी बातों का। यू मे डू वॉट यू लाइक ओनली डोंट सफर, तो पत्नी को बोला तेरे जचे वैसे कर भाई, लेकिन तू ऐसे पीड़ित मत हो। लीव मी अलोन शी हैड सेड इन रिप्लाई, पत्नी ने कहा कि तू तो मुझे अकेला छोड़ दे बस। जगन वांटेड टू आस्क, जगन पूछना चाहता था, वाई आर यू डिस्कस्टेड विथ मी, कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, बट पास्ड ऑन इन टू माली रूम, लेकिन माली के रूम की तरफ जाते हुए, माली हैड इंसिस्टेड अपॉन हैविंग ए रूम ऑफ हिज ओन, माली ने भी जिद की थी कि मुझे मेरा खुद का मकान दो, मतलब मेरा सेपरेट रूम दो। एंड इन दैट वास्ट हाउस, और उस बड़े मकान में इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इतने बड़े मकान में ये कोई समस्या ही नहीं थी, खूब बड़ा मकान था, टू फाइंड हिम वन, उसके लिए भी एक सेपरेट रूम दिया जाए। माली गोट ए लॉन्ग होल, माली को क्या मिला था, एक लंबा सा होल विदाउट ए वेंटिलेटर और विंडो, बिना किसी खिड़की का एक होल था, नोन एज द कूल रूम, उस कमरे को क्या कहते थे, ठंडा रूम, ठंडा कमरा कहते थे। इन दोज डेज, उन दिनों में, विच हैड ए स्टोन टॉप्ड राउंड टेबल, वहां पे एक पत्थर की राउंड टेबल पड़ी थी कमरे में, कमरे के बिल्कुल बीच में सेंटर में, एंड ए स्टूल, एक स्टूल हुआ करती थी। एंड माली सीम्ड डिलाइटेड टू बी असाइन दिस रूम, और माली बड़ा खुश था ये कमरा पा करके। एज इट वॉज नियर द किचन, क्योंकि ये किचन के बिल्कुल नजदीक था कमरा, एंड द मेन हॉल, और मेन हॉल के भी नजदीक था, एंड ही कुड एंजॉय प्राइवेसी विदाउट लॉजिंग साइट ऑफ ऑल द गोइंग्स ऑन इन द हाउस, और वो अपनी प्राइवेसी को एंजॉय करता था, मतलब प्राइवेसी तो थी कमरे में, लेकिन फिर क्या हो रहा है घर में, उसका भी उसे पूरा ध्यान रहता था। सच एज द आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन हिज फादर एंड मदर, उसके माँ और पिता के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ करते थे ना,
ये जो हेल्थ टिप्स वाले एरिए उनको भी वो सुनता था और कन्वर्सेशन सुनता था किनकी, आने जाने वालों की, विजिटर्स के घर में आने जाने वालों की। ही हैड ए फ्यू बुक्स हिप्ड ऑन द राउंड टेबल, है ना, उस टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई थी उसके कमरे में, एंड सम हाउस बिल्डिंग ब्लॉक्स, और कुछ घर के हाउस बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे हुए थे। जगन हैड आस्क्ड हिम, जगन ने उससे पूछा, बॉय डू यू नो वेयर योर मदर कीप्स हर हेडेक पिल्स, बेटा क्या तुझे पता है तेरी मम्मी सरदर्द की गोलियां कहाँ रखती है। आई नो बट शी विल नॉट लेट मी टच इट, हाँ पिताजी मुझे पता है लेकिन वो मुझे इनको छूने नहीं देती। जगन बोलता है, क्यों भाई भाई, बिकॉज आई मे ईट इट, क्योंकि मैं इन्हें खा सकता हूँ, दैट्स ऑल, इट्स लुक सो नाइस, मुझे ये पिल्स ये गोलियां बहुत सुंदर लगती है। जगनवाज स्केयर्ड, जगन डर गया, बॉय डोंट यू गो नियर इट, बच्चे उनके पास में भी मत जाना, इट इज पॉइजन, ये क्या है, जहर है। तो बेटा पूछता, व्हाट इज पॉइजन, जहर क्या होता है, आस्क द बॉय, बच्चे ने पूछा बिल्कुल इनोसेंटली, लुकिंग अप फ्रॉम ए पेपर काइट ही वाज फाइटिंग विद, मतलब एक पतंग से खेलते हुए ऊपर देख के पूछा, पिताजी ये क्या होता है। ओ जगन सेड रेदर डेस्पिरेटली, फिर निराश हुआ जगन, ही ट्राई टू अवॉइड अटरिंग इनऑस्पिशियस वर्ड्स बट देयर सीम टू बी नो अदर वे, वो नहीं चाहता था कि ऐसे अपशकुनी वर्ड जहर जैसे शब्द घर में बोले, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, कोई तरीका नहीं था। तो उसने कहा कि पीपल डाई व्हेन दे ईट पॉइजन, कि लोग मर जाते हैं जब लोग जहर खा लेते हैं। माली लिसन, बच्चे को क्या पता यार मरना क्या होता है, विथ इंटरेस्ट एंड आस्क, बच्चा है ना पूरी रुचि के साथ फिर पूछता है, एंड देन वॉच, फिर क्या होगा मरने के बाद, एज इफ लिस्निंग टू ए स्टोरी, बच्चा तो ऐसे पूछ रहा है उससे जैसे कोई कहानी सुन रहा हो। मैटर सीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स इन एन अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस, मतलब जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सके उस दिशा में उसकी बातें जा रही थी बच्चे की। तो उसने कहा छोड़ो यार, सीधा सीधा उसने पूछा, तो ये बता वेयर इज द पिल, गोलियां कहाँ रखी हुई है। जगन आस्क, जगन ने पूछा, द वो इंडिकेटेड द कपबर्ड, बच्चे ने आलमारी की तरफ इशारा किया, इन द होल, जो कि हॉल में पड़ी थी, एंड क्राइड, और बोला, ऑन द वेरी टॉप, आलमारी के ऊपर ही ऊपर पड़ी है, सो हाई दैट यू ऑल थिंक आई कैन नॉट रीच, इतनी ऊंची पड़ी है कि तुम सब सोचते हो कि मैं वहां नहीं पहुंच सकता। जगन फाउंड हिज सन्स अट्रैक्शन टू एस्पिरिन ओमिनस, जगन ने अपने बेटे का जो आकर्षण एस्पिरिन गोली की तरफ देखा सुना, मतलब उसको ज्ञात हुआ कि गोली से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन इसका, कहा जाऊंगा और ये कर दूंगा। तो ही मेयरली रिप्लाइड, तो जगन ने अपने बेटे से यही कहा कि आई विल गेट यू बेटर थिंग्स, मैं तुझे बेटा अच्छी से अच्छी चीजें दिलाऊंगा टू ईट, खाने की, देन दिस पिल, इन गोलियों के बजाय, फगेट इट यू अंडरस्टैंड, इनको भूल जाए, इन गोलियों को, क्या तू समझ गया मेरी बात। देन ही हैड गोन टू द कबर्ड, उसके बाद में वो कहाँ चला गया, आलमारी के पास, एंड फाउंड द पिल्स, और उसने वहां से गोली ली जगन ने फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, बट देट वॉज सम ईयर्स अगो, लेकिन ये बातें बहुत पुरानी है, ये जो अब हमने चर्चा की ना इस टेक्स्ट में, कि ऐसे जगन छोटा था, और वो तो सोच ही रहा है, ये फ्लैशबैक में चल रही है मूवीज, ये समझ लो आप। एंड माली हैड ग्रोन, अब तो माली बड़ा हो चुका है, अब माली बड़ा हो चुका है। तो दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ वेंडर ऑफ द स्वीट्स, माई डियर स्टूडेंट्स। मैं विनोद वर्मा अगेन आपका धन्यवाद देता हूँ और अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले फिर कहना चाहूंगा, मेरी क्लास तुम्हें अच्छी लगी हो तो शेयर करें, मेरे चैनल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और आगे के टेक्स्ट आपको प्राप्त हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देवें ताकि उस कमी को सुधारा जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।